नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, रीजनल ट्रेनिंग एट बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूं आपका हमारे प्रीमियम ट्रेनिंग सेशन में, जिसका टॉपिक है हाउ टू रन फेसबुक एड कैंपेन, जिसे लीड करेंगे हमारे सीनियर कंसल्टेंट मिस्टर अभिजीत चव्हाण। दोस्तों, ये आपके लिए एक रियल लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन होगा, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बीच बीच में पॉज कर इसमें बताए जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को इंप्लीमेंट करते चलिए। और हाँ, बेहतर समझ के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। तो चलिए, लेट्स क्विकली बिगिन विद आवर सेशन। ओके, सो थैंक यू विशाल शर्मा सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। सो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर आईबीसीज, माय नेम इज अभिजीत चव्हाण, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम ठाणे महाराष्ट्र रीजन। एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेशन मेरा अटेंड किया, और ये हमारा सेकंड सेशन है। एक्चुअली फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम एक इफेक्टिव बैनर डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग लोगो मेकर प्लस ऐप। तो अगर वो सेशन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, वो सेशन आपको पूरा देखना है, तो आपको यूट्यूब चैनल कोच विशाल शर्मा पे जाना होगा। उस पर हमारा वो पूरा का पूरा सेशन अपलोडेड है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी सेकंड सेशन की बात करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर। तो फेसबुक मार्केटिंग से हम कैसे इफेक्टिव लीड्स पा सकते हैं यूजिंग लीड जनरेशन कैंपेन एंड यूजिंग रीच कैंपेन। तो ये यहाँ पे आज हम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने पेन और पेपर लेके रेडी रहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आप बना लीजिए, ताकि वो आपको आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाले। तो यहाँ पे हम चलेंगे कैसे, आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे लीड जनरेशन एड्स के थ्रू इफेक्टिव कैंपेन रन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम रीच कैंपेन भी रन कर सकते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए। तो रीच कैंपेन हमारा बेसिकली होने वाला है व्हाट्सएप पे, हमें डायरेक्टली इनबाउंड लीड्स आएंगे उसके लिए। हम फेसबुक पे ऐड रन करेंगे ताकि हम वहाँ पे अपना व्हाट्सएप का नंबर देंगे, ताकि वो व्हाट्सएप का नंबर लोग जान के वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे आएंगे। तो इसीलिए हम ये रीच कैंपेन रन करने वाले हैं। तो ये कैसे करेंगे वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है व्हाट डू वी नीड, कि हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो सबसे पहले चीज लगने वाली है हमें हमारा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज, मतलब का फेसबुक पेज आपके पास होना या फिर इंस्टाग्राम का चैनल होना आपके पास बहुत ही जरूरी है इस टाइम पे। अगर आपके पास इंस्टाग्राम चैनल नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले फेसबुक का पेज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके जो भी एड्स रन होंगे वो प्राइमरी फोकस पे फेसबुक पेज पे रन होंगे। तो फेसबुक पेज तो इंपॉर्टेंट है बनाना। फेसबुक के रूल के हिसाब से आपका पेज जो कि है वो 14 to 20 days मिनिमम ओल्ड होना चाहिए, मतलब 14 से 20 दिन आपका पेज पुराना होना चाहिए, तभी फेसबुक जो है वो अपने आपको एड्स रन करने की परमिशन आपके फेसबुक पेज पे देता है। नहीं तो फेसबुक को लगता है कि ये कोई स्पैम है। तो इसीलिए फेसबुक पेज आपका 14 to 20 days पुराना होना जरूरी है। और मेक श्योर यू कनेक्ट योर व्हाट्सएप नंबर, मतलब यहाँ पे दिया व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे आपको डालना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया रीच कैंपेन हम रन करने वाले, इसीलिए व्हाट्सएप नंबर आपको डालना जरूरी है। तो यहाँ पे हम आ गए अपने फेसबुक के जो ऑफिशियल अकाउंट है आपका, आई होप आपका आप सबका फेसबुक का अकाउंट होगा आपके पास। तो यहाँ पे हम देखेंगे फेसबुक पेज हम क्रिएट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे मेनू ऑप्शन में जो कि राइट साइड में है। मेनू में जाने के बाद उस साइड में ही आपको दिखेगा क्रिएट अ पेज। तो यहाँ पे पेज ऑप्शन में आके आप अपना पेज बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में आपका पेज बन जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है पेज का नेम, तो पेज का नेम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना जरूरी है, जो कि आपका नाम होगा और साथ ही साथ आप जिस ब्रांड को या फिर जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका नाम होगा। तो यहाँ पे सपोज मैं डाल सकता हूँ अपना नेम पूरा अभिजीत चव्हाण, और साथ ही साथ मैं डाल सकता हूँ आईबीसी या फिर बड़ा बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों भी हम दिखा सकते हैं कि आप ये आपका ये किसका पेज है और किस कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर किस ब्रांड के लिए काम करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है अभिजीत चव्हाण आईबीसी या फिर अभिजीत चव्हाण बड़ा बिजनेस करके मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद हमारी कैटेगरी ऑप्शन है, कैटेगरी में हम हमारा प्रोफेशन डालना है, प्रोफेशन आपका बिजनेस कंसल्टेंट, तो आप बिजनेस कंसल्टेंट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे क्या आपका मोटिव है ये पेज चलाने का, या फिर आप डाल सकते हैं विवेक बिंद्रा सर का क्या मिशन है या फिर बड़ा बिजनेस का क्या मिशन है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ज्यादा आपको डिस्क्रिप्शन भरने की जरूरत नहीं है, 3 to 4 lines में अभी आपने लिखा तो भी चल जाएगा। उसके बाद पेज नेम आपका, तो पेज नेम, कैटेगरी एंड डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर जो कि पेज का होगा वो आपका डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग वहां से ही आपको जानेंगे। तो यहाँ पे आप फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर भी डाल सकते हैं, कवर पिक्चर डाल के आपका पेज और नजर में ज्यादा आएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये इससे आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा है फेसबुक एड अकाउंट। तो फेसबुक एड अकाउंट भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है।
जिसकी मदद से आप अपने फेसबुक पे एड्स रन करेंगे, तो उसके लिए पर्टिकुलर एड अकाउंट लगता है फेसबुक का। उसके लिए आप business.facebook.com इस साइट पे जाके बड़ी आसानी से अपना फेसबुक का एड अकाउंट बना सकते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी डालनी है आपको जरूरी, तो आपका 2 से 5 मिनट में आपका फेसबुक का एड अकाउंट जो है वो बन जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन इसमें यह आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, मेक श्योर यू हैव एडेड सफिशियंट बैलेंस टू रन योर एड्स। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप अपने मोबाइल पे डेटा और कॉल्स को यूज़ करने के लिए आपको एक रिचार्ज करना पड़ता है, मतलब उसको इस्तेमाल करने का आपको एक रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरह से फेसबुक ऐड अकाउंट को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसमें सफिशिएंट फंड्स डालना जरूरी है। फेसबुक के आपके अकाउंट से लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा एड्स मैनेजर का, एड्स मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली आपको एड्स मैनेजर पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको फंड्स ऐड करने हैं, ऑब्वियसली आपके पास स्टार्टिंग में तो कोई फंड्स नहीं रहेंगे आपके ऐड अकाउंट में, तो लेफ्ट साइड में ही ऑल टूल्स करके ऑप्शन है 3, ये आपको दिखाई देंगे लाइंस, उसमें ही आपको नीचे बिलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये इस बिलिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें आप अपने फंड्स भी ऐड कर सकते हैं। राइट, तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे 540 रुपीज़ अवेलेबल है, तो यहाँ पे ब्लू बटन है ऐड फंड्स का, तो ऐड फंड्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने फंड्स उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, डेबिट कार्ड का, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, किसी भी मेथड से आप अपने फंड्स उसमें ऐड कर सकते हैं और सिंपली आप अपना फेसबुक का जो ऐड अकाउंट है उसको चला सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है इफेक्टिव बैनर का, तो ये हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट है जो कि हमें लगने वाला है इस सेशन में। हमने फर्स्ट सेशन में देखा था कैसे हम एक लोगो मेकर प्लस ऐप से बैनर बना सकते हैं और उसको अपने ऐड के थ्रू लोगों को दिखा सकते हैं और फेसबुक एड्स के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं क्रिएट ऑप्शन में, तो उस बटन में आने के बाद हम सेकेंड पॉइंट में हम यहाँ पे लीड जनरेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे अभी आए हैं कैंपेन में, तो ये लीड जनरेशन का कैंपेन है। कैंपेन बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसपे आप अपने एड सेट्स और अपने ऐड हैंडल करते हैं। एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट्स और मल्टीपल एड्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पहचान के लिए हमें एक कैंपेन का नाम डालना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था जो भी आपका टॉपिक हो उसे ऐड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा टॉपिक था ट्रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग डाल दिया है, ट्रेनिंग बड़ा बिजनेस। ओके, ये सिंपल सा मेरा कैंपेन का नेम है, इससे मुझे पता चलेगा कि ये किस जो भी पोस्ट है मेरा किस पोस्ट के लिए ये कैंपेन रन हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ये तो हो गया, यहाँ पे आपको बाकी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आते हैं न्यू एड सेट पे, तो एड सेट का भी हम नाम वैसा ही कुछ रखेंगे। मैं रखूँगा यहाँ पे ट्रेनिंग एडसेट 1, ऐसे ही मैंने कुछ नॉर्मल सा नाम रख दिया उसका। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखता है लीड मेथड, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स और कॉल्स। तो यहाँ पे हम सीधा इंस्टेंट फॉर्म्स को क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इन रिटर्न में लोगों का जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे उनका नाम, नंबर, ईमेल आईडी और जो भी चीज़ें लगती है वो हमें एक डेटा के रूप में चाहिए, तो इसीलिए हम इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। मैं आगे जाके ये भी आपको बताऊंगा कि फॉर्म्स में ही आप कॉल का बटन कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी मैं आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद हमें पेज का ऑप्शन दिखाई देता है, तो फेसबुक पेज जैसे मैंने आपको दिखाया था फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आपका फेसबुक पेज लिंक हो जाता है आपके ऐड अकाउंट के थ्रू। उसके बाद हम जाते हैं बजट एंड शेड्यूलिंग में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, सॉरी, आपको बजट एंड शेड्यूलिंग करना होगा यहाँ पे, तो आप डेली बजट भी चूज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहता है क्योंकि मैं लाइफ टाइम बजट चूज करूँ। लाइफ टाइम बजट इसीलिए चूज करता हूँ कि वो पर्टिकुलर टाइम लाइन में मुझे रन करनी है और लोगों को वो एड्स दिखानी है ताकि उसी टाइमलाइन के थ्रू मुझे वो पता चले मेरे पास वो लीड्स है लोगों की। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेट भी डाल देते हैं कि सपोज हमें 26 डेट के लिए हमें ऐड रन करनी है 7 बजे, तो यहाँ पे मैं डाल के आपको दिखाता हूँ 7 AM, तो यहाँ पे मैंने 7 AM डाला है और एंड करके हम May 27 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे 12 AM। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हमें एड्स रन करनी है, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बजट डाल के जाता हूँ 500 रुपीज़ का, 16 to 46 के रेंज में हमें लीड्स मिलती है जो कि बहुत अच्छी, और रेंज मतलब रीच जो है लोगों की वो भी 4000 से लेके 11000 तक जाती है, मतलब इन लोगों तक हमारी एड्स पहुँचती है, तो ये बहुत ही अच्छा जो नंबर है वो फेसबुक की तरफ से हमको मिलता है। तो इसके बाद हम चलेंगे ऑडियंस में, ऑडियंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें वही ऑडियंस सिलेक्ट करना है जो हमारे जो भी हमने एड सिलेक्ट किया उससे रिलेवेंट हो।
तो उससे रिलेवेंट ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए आप एक गूगल ट्रेंड्स का भी सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने गूगल trends.google.com इस साइट पे जाके मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक डाला, डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, और उसके ही नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे सब रीजन से हमें इंटरेस्ट पता चलता है कि किन किन रीजन में लोग ज्यादा से ज्यादा विवेक बिंद्रा सर इस टॉपिक को फॉलो करते हैं। तो इन सिटीज का नाम हमें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। गूगल भी बहुत अच्छी तरह से मदद करता है हमारी यहाँ पे। तो ये नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये नाम यहाँ पे हम डाल सकते हैं इन लोकेशंस पे। और सबसे जरूरी बात, यहाँ पे ऊपर आपको लोकेशंस में पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। उसके नीचे जो ऑप्शन है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, गूगल ट्रेंड्स से हमें बहुत सारे रीजन्स का पता चलता है, जिससे हमारा टॉपिक हमें ज्यादा से ज्यादा फिल्टर्ड मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे हमें रीजन्स के नाम मिले हैं, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। झारखंड, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड नाम यहाँ पे आ गया है। तो झारखंड को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी नेक्स्ट नाम था, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उनको भी हम सिलेक्ट करेंगे। दिल्ली, छत्तीसगढ़, नाम वहाँ पे आते जाएंगे। आपको जो भी सिटीज रीजन्स के नाम चाहिए वो वहाँ पे आते जाएंगे, और वही रीजन्स के नाम यहाँ पे आपको डालने हैं। यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश भी है। इससे ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट जो भी लोग हैं वो वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 नाम डाले, आप 10-15 नाम्स भी डाल सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है। और हमारी रीच भी थोड़ी नीच हो जाती है। नीच का मतलब बहुत ही टारगेटेड पीपल हमें मिलते हैं। उसके बाद हम एज डिसाइड कर सकते हैं लोगों की, जो कि है, मेरा पर्सनल मानना है कि 20 से लेकर 50 तक आप एज डिसाइड करें, ताकि उस पर आपको अगर डिसीजन मेकर जो भी लोग हैं वो चाहिए, तो आप यहाँ पे एज 20 से लेकर 50 रख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है। इसे मुझे अच्छी खासी लीड्स मिली थी। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा 20 से लेकर 50 आप डालें। जेंडर आप ऑल जेंडर भी रख सकते हैं। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में अभी हम जाते हैं। डिटेल टारगेटिंग में हमें वो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जिससे हमारा जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन कर सके वो। अगर आपका कोई भी आपका मोटिव, अगर आप आईबीसी के लिए, आईबीसी पिचिंग के लिए आप अगर ऐड रन कर रहे हो, तो आईबीसी पिचिंग के लिए आप बहुत सारे रिलेवेंट टॉपिक्स है उनको आप कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस ओनर्स कर सकते हो। ओके, यहाँ पे बिजनेस ओनर आ गया है। जो भी पर्टिकुलर रिलेवेंट फील्ड से हमारे, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लीड्स 15-43 मिलती है ₹500 के बजट में, जो कि एक अच्छी रेंज है, उसमें हम जा सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है लैंग्वेजेस का। अभी देखो, ये जो हमने डिटेल टारगेटिंग की है या फिर जो हमने प्लेसेस सिलेक्ट किए हैं, जो यहाँ पे आपको दिखे, सेव भी करके रख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं सेव दिस ऑडियंस करके। तो सेव दिस ऑडियंस का मतलब कि आप आगे जाके अगर और कोई सेम कैंपेन अगर आप रन करना चाहे, सेम ऐड आपको रन करना है, तो वही ऑडियंस सिलेक्ट करके आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेरा मानना तो ये है कि एक बार आपने अगर अपनी जो भी आपके कस्टमर है उसका डिटेल टारगेटिंग है उसको डिसाइड कर लिए, तो आपको उसको सेव करना है, ताकि आप फिर से जाके आपको बार बार ज़्यादा टाइम कंज्यूम आपका ना हो और आसानी से आप उसको यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे मैं सेव का ऑप्शन दबा देता हूँ, बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट्स का ऑप्शन दिया। तो मेरा तो सजेशन ये है, और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, कि आपको मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करना है। तो मैनुअल प्लेसमेंट में आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है डिवाइसेस। तो डिवाइसेस यहाँ पे सिलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको भी पता होगा 90-95% से भी ज़्यादा लोग आजकल मोबाइल पे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो चलाते हैं, या फिर वो फेसबुक हो या फिर वो इंस्टाग्राम हो। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप को डिसलेक्ट करके सिर्फ मोबाइल का ऑप्शन रखना है, ताकि आपको जाहिर से बात है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोस्पेक्ट चाहिए, तो आपको डेस्कटॉप पे तो आपको ये ऐड चलानी नहीं है। तो जाहिर से बात है आपको साफ सिर्फ मोबाइल पे ये ऐड चलाएंगे। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स की बारी आती है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपका ये ऐड रन होगा उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं
ऑडियंस नेटवर्क को डिसलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में ही फेसबुक के और इंस्टाग्राम के एड रन करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा प्लेसमेंट्स को। अभी प्लेसमेंट्स में हम सिर्फ फीड्स में जाएंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आप आईबीसी के लिए एड रन कर रहे हैं, तो आईबीसी के लिए अगर लोग भी रहेंगे तो आप कॉमन पीपल को सर्च करेंगे, क्योंकि जैसे हम फेसबुक ओपन करते हैं और नीचे नीचे उसको ऊपर ऊपर करते जाते हैं, तो वो हमारा फीड्स हुआ। फीड सेक्शन में ही हमें सिर्फ अपनी एड रन करनी है। तो जितना भी फीड है, अभी ये फेसबुक न्यूज फीड उसको हम ये कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम फीड, बाकी जो फेसबुक मार्केट प्लेस है, फेसबुक वीडियो फीड्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका वीडियो के फॉर्म में ऐड हो। अगर आप सिर्फ इमेज डालना चाहते हैं कि फेसबुक ऐड के तौर पे, तो आपको इसको डीसिलेक्ट करना है या फिर उसको सिलेक्टेड रहना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इमेज डालने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं इसको डीसिलेक्ट करूँगा। अगर आप वीडियो डालना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इसको भी हम ऑन रखेंगे। उसके नीचे जितने भी ऑप्शन है अभी स्टोरीज, इन स्ट्रीम, सर्च, इनको सबको हम डिसलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉर्मल लोग तो वहाँ पे ज़्यादा सर्च नहीं करते, वहाँ पे ऐड दिखाने का भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो इसीलिए हम उसको डिसलेक्ट करेंगे। ये सेक्शन तो हमारा हो गया है, इससे हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर भी इस रेंज में हमें 14 to 42 बहुत ही अच्छा रेंज मिलता है लीड्स का। यहाँ पे अभी हम एक ऐड का नाम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग ऐड वन, ऐसा हम कुछ अच्छा सा नाम देंगे उसको। उसके बाद फेसबुक पेज यहाँ पे दिया है, फेसबुक पेज हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है वहाँ पे। जो भी मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, वो आप बना के डायरेक्टली आपके ऐड अकाउंट में लिंक हो जाता है। तो उसके नीचे हम आते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट। अभी ये मेरा ऐड अकाउंट अलग है, इसलिए यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आपका भी कनेक्टेड अगर नहीं है तो सिंपली कनेक्ट अकाउंट पे जाके आपको एक ओटीपी आएगा, उससे आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक करवा सकते हैं। वो बहुत ही कम समय आपको उसमें लगता है और आसानी से हो जाता है। उसके बाद ऐड सेटअप हमारा आता है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो, मतलब इमेज और वीडियो के तौर पर आप ऐड रन करेंगे, या फिर कोरोसल, मतलब एक इमेजेस का सेट होता है, 3-4-5 इमेजेस का सेट होता है, वो आप एक स्टैक में डाल सकते हैं। तो हम सीधा सिंगल इमेज और वीडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। चेंज मीडिया, अभी यहाँ पे मीडिया मतलब एक बैनर का डालना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने बैनर सिलेक्ट कर लिया है, आप उसको बैनर को अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करके आप उसको उसमें डालना है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्रॉप इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आपको क्रॉप करना है इमेज या फिर वही इमेज रखना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक पे पोस्ट करना है या फिर ऐड करना है, तो लोगो मेकर प्लस ऐप में वो आपको क्रिएट न्यू में ऑप्शन भी दिखता है कि फेसबुक पोस्ट का साइज क्या है। फेसबुक पोस्ट में जाके आप फेसबुक का ऐड भी बना सकते हो, उसी साइज में आपको ऐड बन जाएगा और उसी साइज का आपको ऐड बन जाएगा। तो लोगो मेकर प्लस इसीलिए बहुत ही यूजफुल है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालना होगा, जो जिससे हमारा जो भी बैनर है वो रिलेट कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। ओके, तो यहाँ पे हम प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे, अटेंड फ्री वेबिनार ऑन हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव बैनर यूजिंग इफेक्टिव बैनर विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी एंड फेसबुक मार्केटिंग, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, ज्वाइन नाउ। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद हम हेडलाइन पे चलते हैं। हेडलाइन ये पोर्शन है जो कि आपका इस प्लेस पे दिखाई देगा, तो इस प्लेस पे आपको हेडलाइन डालना जरूरी है। हेडलाइन में आप डाल सकते हैं रजिस्टर नाउ या फिर अप्लाई नाउ, क्लिक हियर, ये भी आप कर सकते हैं। तो हम क्लिक हियर का ऑप्शन करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर ना करके आ गए, तो क्लिक हियर करके आप वहाँ पे एक इमोजी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम क्लिक हियर के साइड में, ये देखिए टेक्स्ट सजेशन साइड में हमें दिखाई दे रहा होगा, टेक्स्ट सजेशन में ही उन्होंने हमको दिखाई दिया। हम यहाँ पे जैसा हमको चाहे वैसा कर सकते हैं, इमोजी में जाके हम इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं कोई जो हमें चाहे। ओके, तो यहाँ पे एक
जो भी पॉइंटेड इमोजी है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉल टू एक्शन लोगों को वो लगे। ये देखिए अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो क्लिक हेयर का ऑप्शन, ये एक हेडलाइन टेक्स्ट है। उसके बाद कॉल टू एक्शन आप डाल सकते हैं अप्लाई नाउ, कॉल टू एक्शन आपका वहीं पे दिखाई देगा उसके बाजू में ही। ये देखो आपका कॉल टू एक्शन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी बटन पे क्लिक करके आपके आपका जो भी लीड जनरेशन का फॉर्म है वो जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है। इंस्टेंट फॉर्म के चलते आप क्विकली लोगों के जो भी लोगों के लोग अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो लोगों की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट फॉर्म में जाके यहाँ पे ऐसे आपको एक इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। फॉर्म का नेम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग, और फॉर्म का नेम ट्रेनिंग बड़ा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने फॉर्म का बेसिक नेम डाल दिया। साइड में ही आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अभी सेटिंग्स का ऑप्शन में जाना आपको जरूरी है, इसका इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे शेयरिंग का जो ऑप्शन है, ये शेयरिंग का ऑप्शन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए उन्होंने, एक रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन यही है कि ओनली पीपल हु डिलीवर यूर एड डायरेक्टली कैन सबमिट दिस फॉर्म, मतलब जो भी लोग इस डायरेक्टली इस एड को देखेंगे आपके वही लोग सबमिट कर पाएंगे। या फिर ये ओपन भी हो सकता है, योर एड कैन बी शेयर एंड एनीवन कैन सबमिट दिस फॉर्म, मतलब हमारा एड शेयर भी हो सकता है किसी और लोगों को। मतलब अगर किसी को पर्टिकुलर ये अगर जरूरत नहीं है और वो दूसरे को शेयर करना चाहता है तो वो दूसरे को शेयर करना कर सकता है जिसको उसकी ज्यादा जरूरत हो। तो यहाँ पे हम ओपन का भी ऑप्शन शेयरिंग रख सकते हैं। ओपन का हमें उल्टा ज्यादा फायदा होगा, हमें ऑर्गेनिक लीड्स मिलने के भी ज्यादा ये है कम से कम पैसे में। तो उसके बाद मतलब हमारी संभावना ज्यादा रहती है ऑर्गेनिक लीड्स हमको मिले, या फिर हमारे लीड्स तो हमें रेलिवेंट मिलने ही वाली है। उसके बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन क्लिक करेंगे ताकि हमें मोबाइल डिवाइस में ज्यादा से ज्यादा क्विक फिल का ऑप्शन लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग उस इंफॉर्मेशन को भरें। उसके बाद हेडलाइन, अभी हेडलाइन में हम डाल सकते हैं फ्री वेबिनार। ये सिर्फ मेरा मोटिव है कि ये बैनर के ऊपर मैं आपको एड रन करके दिखाऊं, इसीलिए बैनर के ऊपर ही मैं आपको एक कैसा एड क्रिएट हो सकता है उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, यहाँ पे शायद मैंने डाला है फ्री वेबिनार रजिस्ट्रेशन। ओके, तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डालेंगे। ऑल राइट, फ्री वेबिनार रजिस्ट्रेशन, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि ये किसके लिए है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम एज अ लिस्ट भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कुछ पॉइंट्स दिखाई देते हैं, तो पॉइंट्स में हम डाल सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है इस रजिस्ट्रेशन के बाद, मतलब लोगों को इस फ्री वेबिनार में क्या क्या मिलने वाला है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप जो आप जिस चीज के लिए आप वेबिनार करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया कि क्रिएट इफेक्टिव बैनर फॉर योर ब्रांड, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया ताकि लोगों को पहले ही पता चलता है कि क्या मोटिव है इस एड का, मतलब अगर लोग फ्री वेबिनार में आना चाहते हैं तो क्या क्या मिलेगा उनको इस फ्री वेबिनार में। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं यूज ऑफ फेसबुक एड्स या फिर कॉस्ट इफेक्टिव कैंपेन। हमें ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर नहीं करना है, 2 से 3 पॉइंट हम डाल के भी लोगों को हमारे हमारा जो भी होने वाला है वेबिनार उसके बारे में बता सकते हैं। अगर IBC के लिए रन करना हो तो वो आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा, 40 PSCs मिलेंगे या फिर लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, इतने इतने आप इनकम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम या फिर कुछ भी IBC के जितने भी बेनिफिट्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन आपको मिनिमम डालना है ताकि लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। उसके बाद ये तो हो गया हमारा, उसके बाद हम क्वेश्चंस में चलते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे फिल द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, यहाँ पे हमने एक बेसिक कमांड दिया लोगों को कि आपको एक डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल और फुल नेम आ गया है। हमें यहाँ पे ऐड कैटेगरी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी आप ना चूज करें, 3 से 4 से मैक्सिमम 4 कैटेगरी भी हो तो भी आपका मतलब काम हो जाता है, लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। अभी यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट फील्ड पता करना हमें लोगों की जरूरत है, इसीलिए हम यहाँ पे फोन नंबर का भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ताकि फोन नंबर भी लोगों का हमें मिले। अगर आपको जानना है कि लोग किस सिटी से हैं तो सिटी का भी ऑप्शन आप क्रिएट कर सिलेक्ट कर सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा आप अपना फॉर्म छोटा रखने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भी एंगेज हो उस फॉर्म से और क्विकली लोग फिल करके उसको पब्लिश करते हैं, मतलब लोग उसको सबमिट करते हैं। वो लोगों को भी अच्छा लगता है कि तुरंत उनका काम हो गया। उसके बाद हम नीचे जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में जो कि प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक देना वहाँ पे जरूरी है, इसीलिए हम बड़ा बिजनेस का जो badabusiness.com/privacy-and-policy इस जो भी वेबसाइट है इसको हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ा बिजनेस के जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी के टर्म्स है वो लोग पढ़ सकते हैं लिंक के थ्रू। उसके बाद लिंक टेक्स्ट अगर आपको डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हैं बड़ा बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा डाल दिया। उसके बाद कंप्लीशन का ये आता है जो कि फाइनल है, फाइनल पार्ट है इस फॉर्म का। यहाँ पे आपको दिया गया है थैंक्स यू आर ऑल सेट, तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हमने यहाँ पे डाला यू आर ऑल सेट, ताकि ऐसा लोगों को दिखेगा जो कि ये साइड बॉक्स में आपको दिख रहा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन दिखाई देगा। आप व्यू वेबसाइट वहाँ पे डालना चाहें तो व्यू वेबसाइट में अगर आप वहाँ पे लिंक देना ज़रूरी है तो आप अपने जो आपके डिजिटल दुकान है उसका भी आप लिंक दे सकते हैं, जबकि ये मेरा डिजिटल दुकान का लिंक है। या फिर आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि कॉल बिजनेस, अभी ये ऑप्शन सिलेक्ट आप इसीलिए कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक कॉल का ऑप्शन आ गया। अगर फॉर्म भरने के बाद भी लोगों को ज़्यादा जानना है और लोग ज़्यादा एक्साइटेड है इस टॉपिक को जानने के लिए, अगर कोई IBC के बारे में इंक्वायरी कर रहा है उसने फॉर्म सबमिट कर दिया और नीचे उसको कॉल का बटन दिखाई देगा तो उसको लगेगा कि हाँ मैं कॉल करके भी पूछ सकता हूँ कि हमें क्या जानना है। अगर आपके पास रिलेवेंट वो टाइम है, अगर आप डाल सकते हैं कॉल बटन का ऑप्शन तो आप डाल सकते हैं, ताकि इससे आपको क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीड्स इनबाउंड भी लीड जनरेशन से डायरेक्टली आपको कॉल आ सकता है। तो यहाँ पे हम 91 ओके ये यहाँ पे मेरा नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे हो गया ये कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट आप डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते। कॉल नाउ अगर हमने यहाँ पे डाला या फिर कॉल नाउ टू इंक्वायर ऐसा भी हम डाल सकते हैं, इंक्वायरी नाउ ये भी हम कर सकते हैं। कॉल नाउ का बटन डालने के बाद उनको एक एक्शन मिल जाएगा कि अगर आपको कॉल करके पूछना ही है तो आप इस बटन को सिलेक्ट करके डायरेक्टली कॉल लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इससे हमारा जो कि फॉर्म है वो बन चुका है, इसको हम अभी पब्लिश करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे हमारा इंस्टेंट फॉर्म पब्लिश हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा फॉर्म हमने बनाया है। जो भी लीड जनरेशन का कैंपेन है वो बन के रेडी है, अभी इसको आप पब्लिश भी कर सकते हैं। जो भी टाइमलाइन आपने दिया है ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ आपका फॉर्म कैसे दिखने वाला है। सबसे पहले लोग फॉर्म को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज दिखाई देगा, उसके बाद अगर लोग आगे चलते हैं उसके बाद लोगों को ये पेज दिखाई देगा जहाँ पे वो लोग अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और सिटी डालेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते ही लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी का ये दिखाई देगा जहाँ पे हमने बड़ा बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी का टर्म डाला है। उसके बाद सबमिट करने के बाद लोगों को ये बटन दिखाई देगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑल सेट जैसे हमने लिखा था। उसके बाद यहाँ पे नीचे कॉल नाउ का बटन उनको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप हो चुका है लीड जनरेशन का। तो हमने यहाँ पे देखा है कि लीड जनरेशन के माध्यम से कैसे हम इफेक्टिव एड बना सकते हैं। सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो हमारी एड सेट में थी। ये आई होप आप सब ने ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से लिख लिए होंगे। स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें अगर लाइफ टाइम बजट चूज करते हैं तो 2 से 3 दिन या फिर हम 7 दिन का रख सकते हैं। अगर लोग ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दे सकते तो ज़्यादा वर्किंग हो या फिर कोई अपना बिजनेस खुद का संभालते हो तो वो लोग अपने पर्टिकुलर टाइमलाइन में ही ऐड रन कर सकते हैं, उनको अच्छी खासी लीड्स यहाँ पे मिल सकती हैं। वैसे ही हमने बहुत सारे ऑप्शंस देखे तो यहाँ पे अगर हमने पब्लिश का ऑप्शन चूज किया तो डायरेक्टली हमारा ऐड चला गया पब्लिशिंग को। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा जो ऐड है वो रिव्यू में चला गया है और यहाँ पे अभी वो लोग ऑप्शन देते हैं कि सक्सेसफुली आपने ऐड सबमिट कर दी है। ओके, तो यहाँ पे हम डाउनलोड CSV मतलब एक CSV फाइल लीड जनरेशन के क्रिएट करके हम डायरेक्टली ले सकते हैं, उसका हमें ऑप्शन दिखता है तो वही हमें सेलेक्ट करना है। उससे क्या होगा कि हमारी जो भी लीड्स है वो हमें एक्सेल शीट में मिलेगी, तो इसीलिए हमें डाउनलोड CSV फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करना ज़रूरी था।
उससे हमें लीड्स मिलने में ज़्यादा आसानी होगी और आसानी से आप लीड्स को नर्चर कर पाएंगे और लीड्स का इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद सीधा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रीच कैंपेन व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए हम यूज़ करने वाले, तो हम क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में जाके हमें सबसे फर्स्ट में अवेयरनेस में ही सेकंड ऑप्शन आपका रीच दिखाई देगा, तो रीच सिलेक्ट करके आपको उसको कंटिन्यू करना है। हमें यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन डालनी है कि आप यहाँ पे एज ए सिंपल रीच ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन एड सेट का दिखाई देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ताकि क्योंकि इससे आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगी इन कंपेयर्ड विथ लीड जनरेशन एड्स। इसीलिए रीच कैंपेन आपके व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए जरूरी है अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लीड्स चाहिए तो, मतलब आपको इनबाउंड लीड्स चाहिए तो। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज का, तो आप यहाँ पे पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा पहले से ही पेज लिंक है फेसबुक का, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने की उसको ज़रूरत नहीं है। हम नीचे चलते हैं बजटिंग में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया लाइफ टाइम बजट हम चूज़ कर सकते हैं अपने बजट के लिए। ये पहले से ही हमें कम बजट में दिखा देता है। अगर लाइफ टाइम बजट भी हम चूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे डेट्स अच्छी तरह से डालनी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर मैं सेम डेट डालूँ जैसे कि मैंने पहले डाले 7 AM से लेके May 27 सुबह 12 बजे तक, ओके। और यहाँ पे हम बजट सिलेक्ट करेंगे, सपोज हमने थोड़ा कम बजट सिलेक्ट कर लिया 300 का, ओके। सो 300 के बजट में भी देखिए आप यहाँ पे कितनी रीच आपको दिखाई देती है, 81K से लेकर 233K तक। यहाँ पे रीच का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन मेजोरिटी आपको जिस भी रीजन में आपको वो एड रन करनी है उस रीजन में ये रीच आपकी जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको कनेक्ट कर पाते हैं। जाहिर सी बात है एक दिन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, 300 का एक दिन में आपको इतनी सारी रीच मिलती है वो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेव ऑडियंस को सिलेक्ट कर। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि बार बार हमें इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार सेव ऑडियंस करके भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही सेव ऑडियंस कर लिया, सेव ऑडियंस यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है, बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको डिटेल टारगेटिंग और करनी है तो डिटेल टारगेटिंग आप उसमें कर सकते हैं, ओके। अभी हमारा जो यहाँ पे ऑडियंस था वो सिलेक्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे अभी नीचे चलते हैं। जैसे मैंने आपको लीड जनरेशन में बताया था हमें मैनुअल प्लेसमेंट में सिलेक्ट करके जो जो प्लेसमेंट्स हमें चाहिए वो सिलेक्ट करना है। जो भी आपने पॉइंट्स लिख के रखे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था डिवाइस में सिर्फ आपको मोबाइल सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप हटा देना है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, अगर हम इमेज रन करने वाले हैं तो वीडियो फिट्स हम हटा देंगे, मार्केट प्लेस हटा देंगे, बाकी तो हम वैसे ही रखेंगे। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का पेज हो तो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर और इंस्टाग्राम फीड आप ओपन रख सकते हैं। उसके बाद जो भी स्टोरीज वगैरह है, क्योंकि लोग ज़्यादातर स्टोरीज में और जो भी कॉल टू एक्शन उन्हें आता है वो करना पसंद नहीं करते, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इसलिए हम नीचे जितने भी ऑप्शन है सर्च में भी लोग कोई कॉल टू एक्शन दिखाते नहीं है। इन आर्टिकल एप्स एंड साइट्स इसमें लोग ज़्यादा करके सर्च नहीं करके जो भी नॉर्मल लोग हैं वो बेसिकली अपना फेसबुक नॉर्मली चलाते हैं। इसलिए फीड्स में ही हमें ये करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी हमें अच्छी खासी रीच लोगों को मिल जाती है। उसके बाद अब ये एड सेक्शन में हम आ गए हैं, आपको आप उसको नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने आप अभी यहाँ पर रीच एड वन ऐसा नाम दे दिया, यहाँ पे डायरेक्टली आपका फेसबुक पेज लिंक हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे जाने के बाद वैसा ही आपको क्रिएटिव दिखाई देगा, आपको सिंगल इमेज या फिर वीडियो डालना है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ सिंगल इमेज या फिर वीडियो, अगर वीडियो डालेंगे आप तो इफेक्टिव भी होगा वो ज़्यादा। अभी समझो यहाँ पे हमने चेंज मीडिया करके यहाँ पे हमने एक बैनर सेलेक्ट कर लिया, ओके। तो फीड्स में हमें 4 प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी लीड्स मिलती है हमें, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा रीच मिलती है। रीच में 79K से लेकर 228K, ये देखिए 300 रुपीज़ में लाइफ टाइम रीच हमने एक दिन की डाली और इतनी सारी रीच मिल रही है हमें। तो यहाँ पे हम सीधा जाते हैं हमारे ऐड की तरफ, ऐड में हमने ऐड सिलेक्ट कर ली और
जो भी हमारा प्लेसमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें प्राइमरी टेक्स्ट में, जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट बोला था, सेम टेक्स्ट यहाँ पे आपको प्लेस करना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा रहेगा, अटेंड फ्री वेबिनार। ये एक वेबिनार का पोस्ट है, ऐड वेबिनार के लिए है। उसके बाद आपको नीचे दिखता है ऐड अ वेबसाइट यूआरएल। तो ये बहुत ही क्रिटिकल ऑप्शन है रीच के लिए। मिसिंग कॉल टू एक्शन टाइप, अभी यहाँ पे कॉल टू एक्शन टाइप के लिए सबसे पहले आपको बटन सिलेक्ट करना पड़ेगा। बटन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ आप कर सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप का अगर आपने व्हाट्सएप उस पेज से कनेक्ट किया तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज भी आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ करता हूँ, सेंड व्हाट्सएप मैसेज किया तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट डालना है। अभी वेबसाइट आपको कौन सा डालना है, आपके जो भी व्हाट्सएप का आपका लिंक है, अगर व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस में साइड में आपको टूल्स में आपका व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। ये रहा मेरे व्हाट्सएप का लिंक, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा लिंक पेस्ट हो गया। अभी इसको हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा ये कैसा दिखेगा। ओके, सो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा डायरेक्टली कोई जो बटन वो क्लिक करेगा डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आएगा। अभी यहाँ पे जो नीचे आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो भी आप अपने व्हाट्सएप के बिजनेस टूल में जाके एडिट कर सकते हैं। तो ये आप डाल सकते हैं और कंटिन्यू टू चेक, ये बटन क्लिक करके डायरेक्टली वो आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने लीड्स पाने का रीच के माध्यम से। आपको कम से कम रुपए पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा रीच मिलती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम हेडलाइन डालेंगे इसको, क्लिक फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वो कैसा दिखता है। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिक फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, आप एरो का इमोजी, मतलब अपने हैंड का इमोजी डाल के भी आप उसको इशारा कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन भी आप उसका डाल सकते हैं कि क्या होने वाला है उसमें, आपके ऊपर है ये, अगर आपको दिखाना चाहे तो। हमें जो भी लिखना था अभी वो हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। दैट्स इट, अगर हम इसको पब्लिश कर दें तो ये डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। ये देखिए पब्लिशिंग के लिए चला गया है। ओके, तो ये अभी एड रिव्यू में चला गया है, जो कि हमने डेट डाली थी नेक्स्ट डे 7 AM को ये एड रन होगी 12 AM तक। तो ये हमारा लोएस्ट कॉस्ट 300 रुपीज़ का बजट है, इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगी हमें। और बेसिकली यही था, कैसे हमने देखा कैसे हम रीच एड रन कर सकते हैं। आपको मेरा रिजल्ट दिख रहा रहेगा, रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कैसे मुझे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले इसके। सबसे पहले तो आपको सबसे फर्स्ट में आपको ऑफर दिख रहा रहेगा। यहाँ पे मुझे 334 रुपीज़ स्पेंड करके 85 लिंक क्लिक्स मिले, जो बहुत ही अच्छा मतलब दर्शाता, इंडिकेट करता है कि बहुत ही अच्छी लीड्स जो भी है मुझे। ये रीच का कैंपेन था एक्चुअली, रीच में मुझे बहुत ही अच्छी रीच मिली थी लोगों की। उसके बाद ये जो भी लीड जनरेशन का कैंपेन था उसमें मुझे 267 रुपीज़ खर्च करके 38 लीड्स मिली थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 7 रुपीज़ की एक लीड पड़ी। उसके नीचे ये सबसे पहला कैंपेन था मेरा, यहाँ पे मुझे 16 रुपीज़ की एक लीड पड़ी थी, 2000 रुपीज़ खर्च करके 122। ये भी बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है हमारे लीड्स के लिए। तो ऐसे आपको इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव आप अपने एड्स को कर सकते हैं। आई होप आपको सभी बातें पता चली होंगी इसमें। थैंक यू सो मच, दैट इज फ्रॉम माई साइड। तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल ट्रेनिंग सेशन ऑन हाउ टू रन फेसबुक एड कैंपेन, जिसे लीड किया हमारे सीनियर कंसल्टेंट मिस्टर अभिजीत चौहान ने। बेहतर समझ के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैंपियन बिजनेस कंसल्टेंट्स से डिटेल गाइडेंस चाहते हैं, इनसे सीखना चाहते हैं और अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भर हमारे चैंपियन बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ अपनी फ्री बिजनेस कंसल्टेशन जल्द से जल्द शेड्यूल करें।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने सारे साथी कंसल्टेंट्स तक पहुंचाने के लिए और हमारे हर वीडियो को देख अपनी लर्निंग और अर्निंग को बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।